and welcome to my channel, It's Your Train Universe and Dioramas. I am Ashim and you are watching Ashim's Model Railroad. Friends, today I will show you that how you can able to make H-scale metal corrugated sheet for your model railroad diorama. ये बहुत easy है, बहुत आसान है और आप easy तरीके से आप घर में बैठ के बना सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा. अगर आप वो traditional way में जाएंगे तो आपको international shipment करना पड़ेगा, roller वगैरह, dice, इन सब चीजों का. लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा कुछ सामान घर में हो तो आप easily ये चीज बना सकते हो. तो फ्रेंड्स, आप जरूर ये कोशिश कीजिएगा और मेरा पूरा जो वीडियो है ये अप टू लास्ट जरूर देखिएगा. मैं जानता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा. और फ्रेंड्स, इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन ऑन सो दैट व्हेन आई अपलोड अनदर न्यू वीडियो यू गेट द फास्टेस्ट नोटिफिकेशन. सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए. तो दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर आज ये एच ओ स्केल मेटल कॉरोगेटेड शीट बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, फॉर मेकिंग एच ओ स्केल metal corrugated sheet, we need first of all a tin shell foil container like this. You can buy tin shell foil roll from the mart. और इंडिया में तो आजू बाजू किसी भी दुकान में ऐसे tin shell foil हमको मिल ही जाता है. तो हमको पहले क्या करना है, what I have to do first? First of all, हम इसे काट लेंगे. ठीक है, इसको पहले हम काट लेते हैं. Like this. अब जब इसे हम काट लिया तो किसी भी एक पोर्शन को पहले हमको लेना है. सपोज आई एम टेकिंग दिस पार्ट और इसी पार्ट से मैं अपना मेटल कॉरोगेटेड शीट जो है वह बनाऊंगा. तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ऊपर का जो हिस्सा है इसको हमको ऐसे खोल लेना है जहां पे ये फोल्ड होके आ गया है. अभी हमको इसको परफेक्ट शेप में पहले लाना है. ऐसे हम इसको काट के जो एक्सेस है उसे हम फेंक देंगे ऐसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड स्टार्ट विद दिस स्मॉल पीस. इसी छोटे टुकड़े से मैं पहला शुरू करूंगा. पहले हमको क्या करना है कि इसमें जितना भी ये डाई शेप वगैरह है इसको हमको प्लेन करना है. तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको हमको किसी प्लेन जगह पे रख, ऐसे इसको रख के ऐसे हल्के से इसको प्रेस करके जितना भी इसमें शेड्स है और जितना भी शेप्स है उसको हमको प्लेन कर देना है. थोड़ा सा हल्का सा इसको प्रेस करते ही आप देख लेना कि इसमें जितना भी शेप्स है, देख लिया आपने, पूरा निकल गया. थोड़ा सा अपने उंगली से जस्ट प्रेस द पर्टिकुलर शीट और द पीस विथ योर थंब एंड यू विल सी दैट द एंटायर शेप्स और द डाइश मार्क्स विल बी क्लियर लाइक दिस. तो इसी तरीके से आप भी इसको पहले प्लेन कर लेना है आपको. तो आप देख सकते हो कि ये जो शीट है ये पूरा प्लेन हो गया है. तो इसी से हम काम करेंगे. तो पहले हमको इसको ये थोड़ा, तो मैंने रफली इसको कटिंग किया था, अब हमको इसको थोड़ा शेप में इसको कटिंग कर लेना है. जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको इसको काटना है. तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको पहले काट लेता हूं, जो कि एक एच ओ स्केल में जो स्टैंडर्ड कोरोगेटेड शीट का जो मेजरमेंट होता है उसी के हिसाब से मैंने इसको काट लिया. तो ये मेरा एक पीस यहां पे तैयार हो गया जिससे मैं अपना कोरोगेटेड मेटल शीट अभी बना सकता हूं. तो आप सबके सामने मैं उसे पहले बना के दिखाता हूं. इसी छोटे से पीस से मैं आपको बना के दिखाता हूं. तो अब इसको काटने के बाद हमें चाहिए होगा एक माउंट बोर्ड, ऐसा माउंट बोर्ड पीस. ये मेरे पास 0.5 mm का एक माउंट बोर्ड है. तो इसी माउंट बोर्ड से मैं पहले एक छोटा सा टुकड़ा निकल के लूंगा ऐसे. यही चीज जो मुझे बाकी के काम में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. तो हम पहले क्या करेंगे कि ये जो पीस है इसको यहां पे पकड़ेंगे. थोड़ा सा आप देख सकते हो कि जितना इसका जो साइज है इससे थोड़ा, यानी कि इतना हम बाहर रखेंगे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे बाहर रख के हम बाकी जितना भी एरिया है इसका एरिया को हम नाप लेंगे और सीजर से उसे हम काट लेंगे ऐसे. इस तरफ से भी काट लिया और इस तरफ से भी हम काट लिया ऐसे, हो गया. अभी हमको क्या करना है कि ये जो साइज हमने लिया है ये एकदम
इसके दोनों साइड से एकदम इक्वल है, तो हम इसको इस तरफ से भी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा इससे कम कर लेंगे। क्यों करेंगे ये हम आपको बात बताते हैं, आप देखिए पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों हमने ले लिया, अभी हमको चाहिए क्राफ्ट ग्लू। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम क्राफ्ट ग्लू ऐसे डालेंगे, देखो इजी तरीके से हम इसके ऊपर क्राफ्ट ग्लू देंगे। इसको थोड़ा आपको ज्यादा डालना है, आपको ये क्राफ्ट ग्लू क्यों ज्यादा डालना है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्राफ्ट ग्लू ले लिया, अभी एक ऐसा पॉप्सिकल स्टिक लेंगे और इसी पॉप्सिकल स्टिक से हम इसको धीरे से पूरा जो पेपर है उसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। लेकिन हमको ख्याल भी रखना है ये कि ये जो क्राफ्ट ग्लू है इसका जो लेयर है ये इस माउंट बोर्ड के ऊपर ज्यादा पतला ना हो जाए, अगर ये ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो हम ऐसे ही इसको धीरे से हल्के से इसके ऊपर में पूरा बिछा देंगे ऐसे। दिस इज द प्रोसेस, आई विल अप्लाई द क्राफ्ट ग्लू जेंटली थ्रू आउट द एंटायर माउंट बोर्ड पीस। अब दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो टिन शेल फॉयल है जिसको हमने सीधा किया है इसे हमको इसके ऊपर ऐसे दे देना है, और लगाने के वक्त हमको ये हिसाब भी रखना है कि थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जाए ऐसे। अब जैसे ये नीचे की तरफ चला गया, ये इसके ऊपर ये एडहेयर हो गया, अब हमको क्या करना है, वी नीड अ सिंपल कुम, ऐसा एक कंघी हमको लेना है। लेकिन हमको ख्याल रखना है कि कंघी में बहुत वेरिएशन होता है, कुछ कंघी में ये जो टीथ्स है ये बहुत मोटा होता है और इसमें गैप ज्यादा होता है, तो वो वाला कंघी नहीं चलेगा। ऐसा जो पॉकेट कंघी जो होता है, पॉकेट कुम जो होता है, उसमें जब ये पतला वाला टीथ है जिसके अंदर ये गैप भी बहुत कम है, ऐसा ही एक कंघी हमको लेना है। वी हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ कुम। अभी ये जो एक्सेसिव थोड़ा सा ज्यादा 2 या 1 मिलीमीटर ज्यादा टिन शेल फॉयल हमने एक्स्ट्रा रखा था, उसको हमको अपने नाखून से ऐसे प्रेस करना है और इसको वर्टिकली इसके ऊपर स्ट्रेट ऐसे पकड़ना है। अब देखिएगा, और पकड़ने के बाद ये जो हमने यहाँ पे पकड़ लिया, यहां से इसको प्रेस करना है और इसको जेंटली सिंपली मेन स्ट्रोक पे इसको लगा देना है ऐसे। ये यहाँ पे आपका ये कोरोगेटेड मेटल शीट का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आप क्या करना है, आपको इसको सिर्फ सोखने देना है, लेट्स ड्राई इट। ओके फ्रेंड्स, तो फिर 2 या 3 घंटा आपको ये पूरा जो चीज है इसको सूखने देना है। यू हैव टू लेट इट ड्राई फॉर मिनिमम 2 to 3 आवर्स एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड टिन सेल फॉयल मेड कोरोगेटेड मेटल शीट। यू कैन सी द टेक्सचर, इट्स परफेक्ट फॉर एन एच ओ स्केल मॉडल रेल रोड और एच ओ स्केल मॉडल रेल रोड डायोराम और एनी काइंड ऑफ मिनिएचर मॉडल। इसी तरीके से आपको जितना चाहिए, मैंने यहाँ पे देखिए पीसेस सब रख दिया है ऐसे, जितना चाहिए आपको आप बना सकते हो और एकदम परफेक्ट जो इसका जो शेप यानी जो टेक्सचर है ये आ जाता है इसमें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल किया। इसको मैंने हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक लेवल क्रॉसिंग का जो गार्ड रूम होता है वो मैं एक वुडन गार्ड रूम बनाया था, ये देखिए। तो इसी वुडन गार्ड रूम के ऊपर मैंने ये रूफ ऐसे बनाया और उसमें थोड़ा राष्ट्रीय लुक दिया। आपको भी ऐसे एनामल पेंट से इसको कलर करना है, इसको आपको कलर करना होगा। तो पहले आप इसमें एक प्राइमरी कोट एनामल पेंट यानी कि जो मेटल पेंट है वो डाल सकते हो और उसके बाद आपका जो डिजायर्ड कलर है, जो भी कलर आप चाहते हो, व्हाट एवर कलर यू लाइक यू कैन पेंट, बट इट शुड बी एनामल पेंट और पेंट फॉर द मेटल। सो उसी के साथ आप ये बना सकते हो। आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्चर है इसके ऊपर मैंने थोड़ा राष्ट्रीय लुक दिया है क्योंकि ये पुराना एक लेवल क्रॉसिंग गार्ड रूम है, एक वुडन गार्ड रूम है। तो उसी के ऊपर मैंने इस रूफ जो बनाया, मैं वो रूफ को इसी तरीके से बनाया कॉरोगेटेड मेटल शीट अपने हाथों से बना के। तो आप भी ऐसे बनाइए और अपने मॉडल रेल रोड या फिर किसी मिनिएचर मॉडल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक वुडन गार्ड रूम है, रेल रोड गार्ड रूम है। मैं अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इजी और आसान तरीके से ऐसे ही एक लेवल क्रॉसिंग गार्ड रूम आप बना सकते हो। ऐसा लेवल क्रॉसिंग गार्ड रूम बनाना एकदम कठिन नहीं है, इजी है। हमको दिखा देंगे आपको आप कैसे इसे बना सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड,
In the coming next episode, I will show you that how you can able to make a wooden guard room like this. Till then, wait and watch my other videos. क्यों है ना ये कमाल का आइडिया. आप इसी तरीके से इजीली घर में बैठ के अपना मेटल कॉरोग्रेट शीट बना सकते हो अपने जितना भी वो मॉडल रेलरोड डायरामा या फिर मिनिएचर मॉडल के लिए आपको बनाना हो. तो दोस्तों मेरे साथ बने रहेगा और मेरे जो इंस्टाग्राम और फिर ट्विटर और फिर फेसबुक अकाउंट है आप बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुए हो, बाकी सब भी उनसे जुड़ जाओ. तो एक फुल फैमिली बन के हम अपना ये मॉडल रेलरोड की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाएंगे. दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पिछले दो एपिसोड में बोला था कि मैं अपना जो एग्जिस्टिंग मॉडल रेलरोड है उसे मैं तोड़ रहा हूँ, उसे मैं डिसमेंटल कर चुका हूँ और एक बड़ा और बिगर लेआउट मैं बना रहा हूँ. तो उसके लिए पूरा जो रूम है उसको, जो मेरा ट्रेन रूम है उसमें रिनोवेशन कर रहा हूँ. तो जैसे ही मैं अपना बेंच वर्क स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द डे फर्स्ट I will start share everything with you ताकि आप इजिली समझ सको कि कैसे एक मॉडल रेल रोड बनाने के लिए बेंच वर्क किया जाता है, कैसे ट्रैक लाइन किया जाता है, कैसे ट्रैक में वायर्स, बस वायर, फीडर वायर कनेक्ट किया जाता है, कैसे डायरेक्ट बना जाता है, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा हर एक दिन पाई टू पाई. पर दोस्तों आज के लिए यही काफी है. बाय द वे मैं आपको थोड़ा एक अपडेट भी देता हूँ कि मैं अभी मेरा जो ट्रेन रूम है उसमें बैठा हुआ हूँ. आप पीछे का वॉल देख रहा है ये पूरा सफेद है क्योंकि अभी इसमें कलर आएगा. मैं इसमें थोड़ा स्काई ब्लू लाइट स्काई ब्लू कलर करूंगा क्योंकि जब मैं ये ट्रैक प्लेइंग करूंगा और डायरा बनाऊंगा यहाँ पे तो मुझे कोई अलग से बैकग्राउंड नहीं बनाना पड़ेगा. मेरा जो वॉल है वही बैकग्राउंड का काम करेगा. आप देख सकते हो कि मेरा जब पूरा ट्रेन रूम है वो अभी कलर चल रहा है चारों तरफ से. तो ये बहुत जल्द ही ये कलर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर से अपना जो मॉडल रेलरोड का प्रोसेस है कैसे हम बनाते हैं इसको पूरा आपको हम दिखाएंगे. तो मेरे साथ बने रहिएगा. डे वन से हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा जाकि आप इजीली समझ सको कि कैसे आप एक अपना मॉडल रेलरोड के लिए प्लानिंग कर सकते हो और कैसे आप ट्रैक से शुरू करके लोकोमोटिव तक और एक क्या बताऊं जो मिनिएचर मॉडल्स है उसको कैसे बनाना है मैं हर कुछ आपके साथ शेयर करूंगा. तो दोस्तों आज के लिए यही काफी है. बहुत जल्द मैं एक नया एपिसोड लेके आ रहा हूं. जय हिंद, जय भारत.